माई ऑल 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 फ्रेंड्स एंड गुड आफ्टरनून। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ यार। एंड आप लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया होगा, कर लिया करो यार, अच्छी बात होती है ब्रेकफास्ट करना। एंड मेरा सब काम हो चुका है फाइनली एंड अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। एंड मैं जस्ट अभी फ्री हुई, नहा के रेडी होके आप लोगों से बातें कर रही हो। सो देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है यार। आई होप अच्छा जाना चाहिए, घर पे ही रह रही हूँ एंड व्लॉग बनाती बनाती दिन कब निकल जाता है पता नहीं चलता। एंड बहुत मज़ा आता है आप लोगों के साथ बात करके, मेरा दिन ऐसे ही निकल जा रहा है कि मैं क्या बताऊँ यार। एंड बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आप लोगों का साथ है और कुछ नहीं चाहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो यार, और कुछ नहीं। एंड और क्या बोलूँ, आज मेरा लंच करने का कोई प्लान नहीं है बिकॉज आज फुल डाइट करने वाली हूँ एंड जो भी खाऊँगी रात में ही खाऊँगी। एंड वैसे मैंने जैसे कि आप लोगों को अपने व्लॉग में बताया है कि मैं रोटी सब्जी चावल नहीं खाती, ऐसा बोल के मैंने बताया है, बट सिचुएशन ऐसी आती है कि कभी मैं खा लेती हूँ। एंड जब से 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आप लोग मुझे कमेंट करना मेरे डाइट चार्ट को लेके, सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस चीज़ को। एंड आप लोगों को मैं वादा करती हूँ कि आप 100% उसमें स्लिम हो जाओगे यार, अगर मेरे रूल्स फॉलो करोगे जैसा मैं कर रही हूँ वैसा। तो एंड मैं, मुझे तो एक हफ्ते में ही रिज़ल्ट पता चल चुका था एंड मैं स्लिम हुई भी, मेरा 1 किलो वज़न कम भी हो गया था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड हो जाओगे यार, पक्का वादा है मेरा आप लोगों से कि आप लोग स्लिम हो जाओगे। एंड गोरे होने का नुस्खा वाला वीडियो भी मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, टिप्स बताऊँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिनको पसंद है गोरा होना वो लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा एंड फिर उसके बाद मैं उस चीज़ को शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। एंड मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के साथ शेयर करने में। एंड अब दोपहर के बज चुके हैं 12 एंड लंच करने का टाइम है एंड मैं अपने लंच में खाऊंगी फ्रूट्स यानी कि एप्पल एंड ब्रेड एंड कॉफ़ी, जो कि मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी खाया था एंड अभी दोपहर में भी मुझे वही खाना है। एंड बस यार, फिर उसके बाद ऐसे ही फ़ोन पे टाइम पास वगैरह करना है एंड वर्कआउट करूँगी। मैं अपने खाली टाइम में वर्कआउट ही ज़्यादा करती हूँ बिकॉज मुझे बहुत पसंद है वर्कआउट करना एंड बिकॉज मुझे स्लिम होना है यार, मुझे बहुत ज़्यादा पागलपन है स्लिम होने का। बिकॉज मैंने सोचा नहीं था कभी कि ये दिन आएगा मेरे लाइफ में कि मुझे स्लिम होना पड़ेगा। एंड जब मैं छोटी थी बचपन में तो मैं बहुत स्लिम थी एंड वही चीज़ मुझे अभी इस एज पे करना है, मतलब मुझे स्लिम होना है यार। पहले मैं नहीं सोचती थी इस चीज़ को लेकर, वैसे मैं ज़्यादा मोटी नहीं हूँ, मतलब ठीक ही हूँ मैं, ना ज़्यादा मोटी हूँ ना ज़्यादा स्लिम हूँ, इज़ मीडियम बोलना चाहिए, बट फिर भी मैं स्लिम होना चाहती हूँ। मतलब जिस टाइप का स्लिम मुझे होना है ना, वो मैं आप लोग को अभी नहीं बता सकती, जब मैं हो जाऊँगी ना पूरे तरीके से तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उस चीज़ को। एंड अभी के लिए तो बस अब इतना ही देखिएगा, मतलब मैं जो बताती हूँ उतना ही सुनना। एंड जब उस टाइम एकदम अच्छे से स्लिम हो जाऊँगी ना तब मैं आप लोगों को शेयर करूँगी अपनी फुल ऊपर से। अभी आप लोग मेरा फेस देख रहे हैं, फिर उस टाइम मुझे पूरा ऊपर से लेके पूरे मेरे हाइट तक देखेंगे एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना वो वाला व्लॉग। सो अभी के लिए तो आप लोग इतना ही देखिए व्लॉग में एंड आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा। एंड पसंद आ रहा होगा तो यार प्लीज़ दिल खोल के मुझे सपोर्ट करो, यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड और क्या बोलूँ, बस आप लोग का प्यार चाहिए यार। एंड देखते हैं नाइट में क्या क्या होने वाला है एंड जो भी होगा मैं आप लोग को कल के मॉर्निंग व्लॉग में बताऊँगी। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रात में कल मटन बना हुआ था, पापा ने बनाया था, मैंने रोटी बनाया था एंड फिर ज़्यादा नहीं यार, मैंने सिर्फ 2 रोटी खाई एंड थोड़ी सी सब्ज़ी खाई। फिर उसके बाद मम्मी तो अभी एक ही खा रही है बिकॉज मम्मी भी डाइट पे है, सो वो तो एक ही खाती है, मैं 2 खा लेती हूँ एंड वरना कभी कभी नहीं भी खाती हूँ, मैं सिर्फ ऐसी कॉफ़ी या फ्रूट्स वगैरह खा के सो जाती हूँ। एंड अच्छा लगता है यार, हल्का फूड खाना चाहिए, बॉडी के लिए अच्छा होता है, बिकॉज ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनको ना अपना बॉडी की केयर करनी होती है,
एंड जो नहीं करना चाहते वो तो खा सकते हैं, बट यार आप लोग अपनी बॉडी की केयर करो, बिकॉज अगर आगे आप खाते जाओगे एंड मोटे हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप लोग के लिए यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप लोग लिमिट में खाओ, यानी कि थोड़ा थोड़ा खाओ। मैं ये नहीं बोलती कि आप लोग छोड़ो, बट खाओ, बट थोड़ा थोड़ा खाओ, जिससे कि ज़्यादा ना लगे एंड तकलीफ़ ना हो बाद में। एंड हम लोगों को तकलीफ़ हुई इसलिए हम लोग ये सब डाइट वगैरह करना चालू कर दिए। बाकी हम लोग भी नहीं करते थे, हम लोग को भी नहीं पसंद था ये सब करना। मेरी जो बहन है वो इतनी ज़्यादा स्लिम, इतनी ज़्यादा फिट है, मैं आप लोग को क्या बताऊँ। एंड वो जो भी ड्रेस पहनती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करता है एंड वो बहुत अच्छी दिखती है। सो मुझे भी उसी के जैसे अपनी बॉडी को बनाना है एकदम स्लिम, ताकि मैं जो भी ड्रेस पहनूँ ना, खासकर जींस टॉप, तो बहुत 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 ज़्यादा प्यारा लगे। एंड बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग अगर डाइट करना चाहते हैं तो वो करिए एंड लिमिट से खाइए, ज़्यादा ना खाएं, मीठा तो कम ही कर दो यार। एंड वेजिटेबल सैलड वगैरह ज़्यादा खाओ एंड राइस तो बंद कर दो, बिल्कुल भी बंद कर दो, बिकॉज वो बेकार है। जितना ज़्यादा आप राइस खाओगे उससे मोटे हो जाओगे। एंड अगर आप लोग को पसंद है तो खाइए, बट कटोरी में, छोटे इतनी से कटोरी में इतनी सी राइस लीजिए और खाइए, ज़्यादा मत खाइए, बिकॉज राइस खाने से ज़्यादा वेट बोलना चाहिए बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है, इसलिए मत खाना। एंड मैंने तो छोड़ ही दिया राइस, मैं खाती भी नहीं। एंड अगर आपको खाना होगा ना तो 6 दिन चावल मत खाइए, 7वें दिन यानी कि संडे को खाओ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप रोज़ खाते हो तो थोड़ा थोड़ा खाओ, बाकी वेट मत बढ़ाओ, बॉडी बना के रखो, बिकॉज बॉडी बना के रखने से यार कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड मोटे होने से ना बहुत ज़्यादा बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। सो बॉडी की केयर करो एंड और क्या बोलूँ, बस ये बोलूँगी कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट फॉर मी एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय। मैं चलती हूँ बिकॉज अभी मेरे को और भी बहुत सारे काम करने हैं। मैं सोच रही हूँ कि आज पढ़ाई करूँ, पढ़ाई करने का मेरा मन नहीं करता रोज़ रोज़ यार। सो मैं कभी करती कभी नहीं करती, सो आज सोच रही हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ अपनी पढ़ाई को। एंड जाती हूँ यार, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करूँगी एंड मन किया तो पढ़ाई करूँगी, नहीं किया तो डांस करूँगी। खाली टाइम में वही मेरे को अच्छा लगता है यार। एंड जाने का मन नहीं कर रहा जैसा कि बोलती हूँ, सो जा रही हूँ यार। मिलेंगे कल के मेरे मॉर्निंग व्लॉग में। सो बाय बाय एंड गुड नाइट, बिकॉज इवनिंग का व्लॉग तो मैं नहीं बनाने वाली। सो जो भी स्टोरी होगी ना आज की शाम की, सो मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग में शेयर करूँगी। सो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहना एंड लंच कर लेना, डिनर भी कर लेना, ठीक है। एंड अपना ख्याल रखना एंड अपनी बॉडी का भी केयर करना। एंड जो डाइट वाइट कर रहे हैं ना वो सब डाइट फूड वगैरह खा लेना, फ्रूट्स खा लेना एंड वर्कआउट करना, वॉक पे जाना, बस यार और खुश रहना एंड मेरे व्लॉग देखते रहना एंड मुझे सपोर्ट करते रहना। सो बाय बाय एंड सी यू फॉर टुमारो एंड माय न्यू व्लॉग, कल, आज नहीं, सो बाय बाय।